नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 की। जी हां, बॉलीवुड की वो मूवी जिसको देखने के लिए आज ढेरों की संख्या में हॉलों पे भीड़ लगी हुई है और उसके बावजूद भी उसके अंदर टिकट और नहीं मिल पा रही है। आर्टिकल 15 ऐसा क्या है कि लोग उसे देखने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसको आपको पूरी हिस्ट्री बताने से पहले आपको उसके बेस्ट तीन डायलॉग्स बता देता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 की। जो तीन डायलॉग्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत डायलॉग हैं। उस वो है, कभी हम हरिजन हो जाते हैं, कभी हम बहुजन हो जाते हैं, लेकिन हम जन नहीं बन पाते हैं, और अगर जन बन जाए तो शायद जनगण में हमारी गिनती भी आ जाए। और जो उसका दूसरा डायलॉग है वो भी बड़ा खूबसूरत डायलॉग है। उसके अंदर कहा जाता है कि बहुत सारे लोग उस किताब को नहीं चलने दे रहे जिसे संविधान कहते हैं, और वो संविधान के उन जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पे नहीं चलना चाहते। और जो तीसरा डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत है। उसमें कहा जाता है कि जो सीमा पर जितने जवान मरते नहीं है उससे कहीं ज्यादा गटर के अंदर मर जाते हैं, लेकिन उनको कभी शहीदों का दर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो दलित हैं, शूद्र हैं, जिनका कोई मान और सम्मान नहीं है, और उनको बिना मास्क के गटर में उतार दिया जाता है। इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर निभा रहे हैं वो हैं आयुष्मान खुराना, और आयुष्मान खुराना लालगंज पुलिस स्टेशन का चार्ज दिया जाता है, जो यूरोप से हाई स्टैंडर्ड की पढ़ाई को करकर आते हैं, और वो बड़े उत्सुक हैं कि यहाँ पर उनको चार्ज दिया जा रहा है, लेकिन वो अपनी प्रेमिका से सारी बातें शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप पे। और जब वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, अपने चार्ज लेने के लिए जा रहे होते हैं, तो उनका ड्राइवर उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है कि ब्रह्मा ने ऐसा कहा, उनकी माँ ने ऐसा कहा, वो बताता है कि इधर मत जाइएगा, इधर वो लोग रहते हैं, तो वो लोग बड़े समझ में नहीं आ पाते हैं। तो आयुष्मान खुराना बड़े उत्सुकता से पूछते हैं वो कौन से लोग हैं, कह रहे हैं आप रुकेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो लोग कौन है। लेकिन जितनी भी बातें होती हैं आयुष खुराना अपनी प्रेमिका के साथ बातें करते रहते हैं, उसको व्हाट्सअप करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, जब भी उनके साथ कोई ऐसी बात होती है उत्सुकतापूर्ण। आयुष खुराना बाहर से पढ़ाई करके आए थे तो उन्हें ऊंच नीच का नहीं पता था, लेकिन वो अपनी प्रेमिका को बताते हैं कि यहाँ पे एक अलग ही दुनिया बसती है जिसके अंदर लोग यहाँ पे अलग से रहते हैं, और यहाँ पे पता नहीं कौन से उन लोगों की बात करते रहते हैं। लेकिन उसने बताया कि मेरा ड्राइवर है वो कहता है कि थोड़े टाइम में आपको खुद समझ में आ जाएगा। अयान रंजन के आने की खुशी में वहां के थाने के लोगों ने एक पार्टी रखी थी, और उस पार्टी के अंदर सभी लोग अपनी मस्ती में मगन थे। वहीं पे कुछ दलित परिवार के लोग आते हैं जिनको अयान देखते हैं, और वो दूर से उनको पुलिस वाला भगा देता है। तो उसने धीरे से पूछा कि ये लोग कौन थे, तो उसने बताया कि ये लोग दलित परिवार के थे, ऐसी इनकी रोज घटनाएं चलती रहती हैं, तीन लड़कियां भाग गई हैं लेकिन आ जाएंगे फिर दोबारा। तो अयान को लगा ठीक है चली जाएंगे तो आ जाएंगे, अयान भी अपने आराम से अपने थाने के अंदर चले गए। और रात को जब वो सोने गए तो सोने के सुबह भी नहीं हो पाई थी कि 4 बजे आयान को कड़कती ठंड में उठना पड़ा, और जब उठाया गया तो उसके थानेदार ने कहा कि साहब मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आपको इतनी ठंड में और इतनी सुबह उठाया, क्योंकि रात भी आप ढंग से सो नहीं पाए थे। जब उसने विषय बताया तो उसने बताया कि 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है पेड़ से लटक के। आयान हाबड़ ताबड़ में उठे और ये समझ भी नहीं पाए कि क्या हुआ, और वहां पे मौका है वारदात पे जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा 2 मासूम बच्चियां जिनकी उम्र 12 से 14 साल थी वो पेड़ से लटकी हुई थी। दलित लड़की गौरा की मृत्यु को देखने के बाद उनको एहसास हो जाता है कि मामला कुछ और है, और वो इसकी तह तक जाकर इसको पूरा सच्चाई को उजागर करेंगे। लेकिन उनको जब इसकी सच्चाई का उजागर करने की क्या कोशिश करते हैं तो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन्हें लगता है कि यहाँ के नेता अधिकारी यानी कि थाने के लोग भी इस वारदात में शामिल हैं जो उनको सच्चाई तक नहीं पहुँचने देना चाहते। आयान जब इस गुत्थी को सुलझाने पहुंचते हैं तो उनके ऊपर दबाव बनने लग जाता है कि इस केस को ना सुलझाएं, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस केस को सुलझाने का निर्णय लिया और वहां तक पहुंचे जहां पे आईपीएस ऑफिसर नहीं पहुंचता है, यानी कि छोटी छोटी रिपोर्ट तक लेने आयान खुद पहुंचते हैं। निर्देशक अनुभव सिन्हा के निर्देशन में सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने जातिवाद के इस घिनौने रूप में थ्रिलर अंदाज में पेश किया, और जब कहानी की परतें खुलने लगी तो दिल दहल जाता है। इतनी दर्दनाक कहानी है कि कोई भी अगर इसे देखे तो उसका दिल भी दहल जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों को या दलित समुदाय के लोगों को हमेशा दूर रखा जाता है, उनकी परछाई तक नहीं पड़ने दी जाती, यहाँ तक कि उनकी दुकान उनका गांव तक अलग होता है, वो आपके साथ उठ के बैठ के खा नहीं सकते, उनके साथ आप उनके साथ पी नहीं सकते, लेकिन उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं कर सकते हैं, उनका शोषण कर सकते हैं, ताकि
कोई आपके सामने आवाज ना उठा सके। फिल्म में बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो आपको विचलित भी कर सकते हैं, परेशान भी कर सकते हैं, आपको जोश भी दे सकते हैं और वो चीज सोचने पे मजबूर भी कर सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। आयान सभी दलितों से मिलते हैं, उनसे अपना मेल जोल बढ़ाते हैं और इस तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कहां पे। तो पता चलता है आयान को कि जो नेता थे वहां से लेके उनके थाने के अधिकारी तक इसमें इन्वॉल्व थे, यानी कि थाने से लेकर ऊपर नेता अभिनेता तक इसमें इन्वॉल्व थे। जब आयान इसकी गुत्थी के बिल्कुल लास्ट तक पहुंचते हैं तो उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है सीबीआई का, यानी कि पॉलिटिशियन और सीबीआई का। सीबीआई की जांच में और सीबीआई के दबाव में जो उनके दलित के जिन लड़कियों के साथ इस तरीके का घिनौना काम हुआ, उनके माता पिता के ऊपर ही आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने ही अपनी बच्ची को मारा जाता है। इसके बाद उनको थाने में नहीं, उनको जेल भेज दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन आयान की नौकरी से डिसमिस होने के बावजूद भी आयान अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं, निरंतर काम करते रहते हैं। लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब ये जांच चल रही होती है तो आयान के सामने जो सीबीआई डायरेक्टर होते हैं वो पानी पी रहे होते हैं, लेकिन आयान उनकी पानी की बोतल को रोकते हुए कहते हैं कि जितना आप ये 2-3 घूंट पी रहे हैं, सिर्फ लड़कियों ने इतना ही मांगा था उनसे और उनको मिला क्या इसके बदले। उनके साथ इतना घिनौना अपराध हो गया और दूसरा कि वो जाति कभी मुंह ना खोल सके, वो कभी आपके सामने सर ना उठा सके। इस तरीके की जो डायरेक्टर ने इसका प्रेजेंटेशन दिया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिया है। आखिर के कार आयान इस गुत्थी को पूरा सुलझा लेते हैं और इसके अंदर खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और जो तीसरी लड़की मिस हुई थी वो जंगल में कहीं जाके दूर मिलती है एक पाइप के अंदर सोती हुई, जिसने कई दिनों से खाना पीना नहीं खाया होता है और जिसको देखकर आखिर में भी आप भी हिल जाएंगे। इतनी खूबसूरत मूवी है कि आपको इस सिनेमा घरों के अंदर जाके जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट अच्छी लगती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और लाइक करें, शेयर करें ताकि आर्टिकल 15 जैसी खूबसूरत मूवी लोग ज्यादा से ज्यादा बना सकें और ज्यादा से ज्यादा देख सकें, ताकि यह घिनौना सच पूरे देश और पूरी दुनिया और पूरी जनता के सामने आ सके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको पास सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सके। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अगली खबर में हम लोग आपके साथ मिलते हैं। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सके आप पे सबसे पहले।